তারা একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে মানে এখানেও চেঞ্জ আসবে একটু মিলে যা আমার গ্লাস আসতে পারে তো প্রাইমারি স্কুল 1 কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে হাই স্কুল 3 কিলোমিটারের মধ্যে স্বাগতম সবাইকে রাজাত সেন এন্ড রোহানি আর আমার কাছে মনে হচ্ছে ভিডিওটা নিশ্চয়ই তাদের এডুকেশনে কি কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে এটার উপরে হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি যেহেতু লিখেছে যে আর্টিকেল 370 এর পরে এডুকেশনটা তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল দালালান ডট থেকে আমাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিংকটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি ভিডিওটি आपकी ख्वाहिश क्या क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश थी ये बात तो कौन पसंद है आपको स्कूल को खाना पसंद है कौन पसंद विराट कोहली आपको विराट कोहली पसंद है पायलट बनना है अच्छा कैसे इंस्पायर हुआ पायलट बनने के लिए हमारे गांव में कोई बुलेट कोई भी लड़की नहीं है आप क्या बनना चाहती हैं कॉलेज प्रोफेसर प्रोफेसर बनना चाहती हैं अरे वाह क्यों मुझे बहुत शौक है पढ़ाने का आपको पढ़ाने का शौक है मेरे जो ग्रैंड फादर है उनका जो ड्रीम था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं ठीक है तो ग्रैंड फादर का ड्रीम हुआ ना हारून का ड्रीम क्या है हारून का क्या ड्रीम है तो उसका नाम हारून नहीं है तो हारून किसका नाम है हारून किसका नाम है राशिद हीरो कौन सा पसंद है ये बताओ आराम से यहाँ से चढ़ते चढ़ते हमें बहुत तकलीफ होती है बहुत तकलीफ होती है तो कितना वक्त लग जाता है शाजिया जैसे कुछ देर से तो हम अभी चल रहे हैं चढ़ाई कितनी है अभी आगे और बहुत सारी है अभी बहुत चढ़ाई है यहाँ पे डेढ़ घंटा लग जाता है हमें चढ़ने में हिल टॉप दिख रहा है आप लोगों को वहां से भी स्टूडेंट्स बीच रास्ते में आ रहे हैं ये इतनी पतली सी जगह में होते हुए स्टूडेंट्स जाते हैं रोज तो रोज यहाँ पर आके रेस्ट करते हो अभी आगे कितनी और जाना है आज मैं इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ मैं ये जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा ये तीनों बिल मान्यवर कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके गोलियां बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे
कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना। ये विश्वास था, आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। ये जो कश्मीर जो था ये लकअप किया गया था, बंद था। आपके 5-6 महीने बीते जिसके बीच में कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या करते थे उस दिन? हम घर में बैठते थे, कुछ नहीं था। तब से बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई, बहुत इतना नेटवर्क है, स्कूल भी बंद रहे। पार्टिकल हटाने से क्या मेरे बच्चे में उसकी स्कूलिंग इम्प्रूव होगी? क्या आर्टिकल हटाने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया? एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर, कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, हमारी जान चली गई, किसी जगह पे लिपोड अटैक, लिपोड अटैक से कटेंडवा अटैक। हमारे यहाँ तो 90 से ही हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ जो हमारे भारत का सर है, एक दिन ये सर काट दिया जाए। कोविड की वजह से यहाँ पे पूरा लॉकडाउन हो गया, तो फिर से स्कूल्स बंद हो गए। फिर नियर अबाउट 3-6 मंथ्स तक नियर अबाउट बंद ही था, लॉकडाउन था। हम पहले ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, नेटवर्क इशू थे, कभी आवाज़ नहीं आ रही थी, कभी आवाज़ आ भी रही थी तो सर ने पहले बोला होता था, फिर हम बोलते थे। यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, प्लस यहाँ पे जो बच्चे हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज, फ़ोन वगैरह आदों को अवेलेबल है, आदों को अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन में हमें प्रॉब्लम आती थी। भाई, हाँ भाई एक है और बहन तीन है।
घर में फोन कितने? एक ही फोन है? दो है, एक पे भाई देते, एक पे हम दोनों बहनें देते, एक एक तो नहीं देती। एक क्लास ही नहीं लेता? नहीं। यहाँ पे फिर ऑर्डर निकला, जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आप कम्युनिटी क्लास स्टार्ट कर लो। कम्युनिटी क्लासेस का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? विद इन कम्युनिटी अगर आपको बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, और विद इन कम्युनिटी अगर आपके टीचर्स हैं, अगर वो वॉलेंटियर बेसिस पे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इसके साथ जुड़ा हुआ है दैट विल बी पावर। कम्युनिटी क्लासेस में भी हम उतना जस्टिस नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि ये बहुत गरीब इलाका है, तो बच्चों को कभी घर वाले काम के लिए भेजते हैं, कभी किसी और चीज़ के लिए भेजते हैं, नहीं आ पाते हैं यहाँ। कुछ बच्चे डरते हैं यहाँ से, यहाँ आने से। तो वी आर गिविंग द कम्युनिटी क्लासेस ओपन एंड, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है नहीं। वॉशरूम के लिए बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, हम बहुत दूर से आते हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर से आते हैं, तो 3 घंटे में एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ। यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी की वजह से कभी एनकाउंटर कहीं पे हो जाए तो वो स्नैप रहता है, तो उस वजह से भी ऑनलाइन क्लास हम प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं। ऑनलाइन से बेहतर कम्युनिटी क्लास हमें लगी, फिर भी अगर ऑनलाइन क्लास में हमें समझ भी आया लेकिन मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, मतलब दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब बहुत भाई बहन होते हैं घर में, मतलब उनका पापा मत एडजस्ट कर सकता है, इतने सारे फ़ोन्स मतलब नहीं ला सकता है, वो हर एक बच्चे को एक एक फ़ोन नहीं दे सकता। ये करीब 43 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ गांव है, 10,000 की आबादी वाला गांव है। यहाँ मोबाइल की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आती है। हम यहाँ जब से आए हैं तब से हमारे मोबाइल में भी बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे यहाँ बात नहीं होती है, मैंने BSNL सिम अलग रखी है, कीपैड फ़ोन रखा है मैंने, वो भी ताक पर रखना पड़ता है हमें खिड़की पर, तो वहाँ से हमें बात करनी पड़ती है। आप वो कोई कुछ बात कहता है तो वो सुनाई नहीं देता, इंसान बार बार बोलते हैं आप रिपीट करो ये बात आपने क्या कही, तो यहाँ से बोलनी पड़ती है, वो बोलते हैं आप कहाँ रहते हैं, ये बात ही नहीं समझ आ रही है आपकी। अब हम चाह रहे हैं इस गांव से बाहर करीब 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर लें। ये रास्ता हम क्यों तय कर रहे हैं? ये रास्ता हम इस वजह से तय कर रहे हैं ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये रोज़ ये रास्ता तय करते हैं ताकि ऑनलाइन लेक्चर्स डाउनलोड कर सकें, क्लासेस ले सकें अपनी, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। अब फिर COVID-19 की वजह से जो आलमी सत्ता पर यह वबाई बीमारी जो फैली है इसकी वजह से जो है तालीमी निज़ाम पूरी तरीके से दरहम बरहम है, और अब ये ऑल्टरनेटिव निकाला गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, लेकिन अफसोस का आलम यह है कि हमारा गांव आज इस 21वीं सदी में भी इस सहूलियत से बिल्कुल महरूम है और बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड एनिमल्स का खतरा भी रहता है इंसान को। अगले साल हम यहाँ पर बैठे थे तो हमने वालू देखा, बियर देखा हमने, वहाँ पे उतरता वो नीचे आ रहा था तो हम भागे, बहुत जख्मी हो गए थे हम। मतलब सिर्फ 50% कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ कर सकते हैं तो 50% डर लगा रहता है, तो कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, हमारी जान चली गई, क्योंकि पहले जान है तो जान है, पहले जब जान है तभी बाकी नीट कंप्यूटर एग्जाम तब होंगे जब जान है। तो सुबह सुबह सबसे पहली क्लास कब होती है? 9:30। फिर दूसरी? दूसरी 12:30। 2.5 घंटे का फर्क है दोनों में। जी। तो आप क्या करती हैं 2.5 घंटे? नहीं, यहाँ बहुत डर है, मैं तब तक घर चली जाती हूँ। तो आप एक बार सुबह 3 किलोमीटर यहाँ आती हैं, फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके अपने घर जाती हैं। जी हाँ। फिर आप 12 बजे आती हैं। जी। मतलब आप दिन में 3 बार आना जाना करते हैं।
जी हाँ। अगर मैं फिलहाल घर में जोड़ूँ तो एक बार की ट्रिप मतलब टू एंड फ्रो जो जर्नी है इनकी यहाँ आने जाने 6 किलोमीटर की है, और तीन बार आने जाने का मतलब है 18 किलोमीटर का सफ़र आप खुद पैदल चल के तय कर। हम इस वक्त उन बच्चों के साथ हैं जो कम्युनिटी क्लासरूम्स के लिए चल रहे हैं। जी इधर चलो। जी ये एक नाला सा है और ये कवर्ड भी नहीं है। मेरा भी दम घुट रहा है, चढ़ाई बहुत आसान तो नहीं है। चढ़ाई आपको करनी है बहुत। अभी आपने क्या देखा, आपको 3 किलोमीटर चलना है। ये देखो ये हमारा रास्ता है, बच्चे कोई गिर भी सकता है। पता नहीं कैसे जाते हैं लोग स्कूल। कोविड जब आया तो स्कूल बंद हो गए। हाँ। दफा दिए तो 70 भी तोड़ा तो स्कूल बंद हो गए। जी। वहाँ तब से बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई का, क्योंकि ना नेटवर्क है, स्कूल भी बंद रहे, टीचर्स मत घर आए के पढ़ाएंगे। कम्युनिटी क्लास परसों से शुरू हुए, अब लेने हैं कम्युनिटी क्लास, रिसिप पे ले रहे हैं। क्योंकि ओपन स्पेस में कम्युनिटी क्लास लेना नहीं है जगह, यहाँ पे जगह ही नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जंगली जानवरों का खतरा है। इसमें स्टूडेंट्स को करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक करना पड़ता है। वाला 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 है तो रिकॉर्ड एक्शन एक्शन हां वाला इक्वल एंड अपोज द बीट। कम्युनिटी क्लास में के लिए भी जगह होनी चाहिए खुली, मगर यहां वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर आपस में सलाह मशवरा करके ये स्कूल का थोड़ा सा ग्राउंड है और ग्राउंड में ही बैठा कर हम उनको थोड़ा सा एजुकेशन जो है वो पढ़ाते हैं इनको। कुछ टॉपिक साइंस में ऐसे हैं जिनको हम लैब के बगैर नहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे 10th में है और रिफ्लेक्शन, उसको हम सर लेबॉर्टरी में दिखा सकते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए, वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्कूल ही बंद हो गए तो हम ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे किंग जो है उसने मैसेंजर्स को भेज दिया कहाँ पे, अपनी किंगडम में, अपनी प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। बच्चों के साथ हम चलते हुए आए थे, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, करीब 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके आए थे। अब ये वापसी का सफ़र है। सुबह तो थक गए थे यार चढ़ते चढ़ते, अभी जाते वक्त भी थक जाते हो? जी बहुत थकेंगे। क्या करोगे जाने के बाद घर पे, पहला काम क्या करते हो घर जाके? जी पहले फैन लगाएंगे। हाँ। बस सोएंगे। थक गए तो रोज यहाँ पर आके रेस्ट करते हो? जी। अभी आगे कितनी और जाना है? बहुत जाना है। भारत जब आज़ाद हुआ था
शिक्षा पर एक सबसे पहली कमीशन बनाई गई थी। इस कमीशन का नाम था डॉक्टर डी एन कोठारी कमीशन। उस कमीशन में दो मूल प्रस्ताव थे। पहला था कि प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और सेकेंडरी स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में। अब जो है उम्मीदें टूट रही हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं। जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो तो काफ़ी आगे हैं, उनके पास तो अच्छी नॉलेज है। एजुकेशन एक तो उसका फ्यूचर उसके साथ एसोसिएटेड, लेकिन एजुकेशन एंगेजमेंट भी है। मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, वो ड्रग्स की वजह से मर गए। रीज़न उसका ये भी, अगर आप उनको अच्छे काम में इन्वॉल्व नहीं कराओगे तो वो बुरे काम से एसोसिएट हो ही जाएंगे। बच्चे को लगता है कि उसका मूड ठीक नहीं रहता है, परेशान वो लगता है। डिपेंड्स अपॉन की सीवियरिटी कितनी है डिप्रेशन की। कभी माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट हो सकती है, फिर सीवियर हो सकती है। अगर सीवियर हो गई तो इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो 4th में पढ़ता है। जब उसको बाहर में ले जाता हूँ तो वो चल नहीं पाता है प्रॉपर। हमारे यहाँ पेंडेमिक का फियर नहीं, हमें बाकी फियर भी है हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे जो ख्वाब हैं ये महज ख्वाब ही रह जाएंगे, लेकिन हम इन ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। दो दिन लगता है इनकाउंटर। अच्छा, इनकाउंटर की वजह से बंद रहता है। हाँ। दुनिया निंद्रिताई बिजनेस रिकवर हो जाएगा, टूरिज्म रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन का जो सिलसिला है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इवॉल्व होता रहता है। अगर किसी क्लास में प्रॉपरली हम नहीं पढ़ा पाए, एक जनरेशन को नहीं हम पढ़ा पा रहे, फिर समझ नहीं लेंगे कि हमारी सोसाइटी पे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमारा तो फ्यूचर पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये यहाँ से उठती है बात कि कॉन्फ्लिक्ट में रहना कितना डिफिकल्ट। हमारी 3 जनरेशन कंज्यूम हो चुकी है, तो आगे की कोई जनरेशन कंज्यूम ना हो जाए, दुआ करते हैं। যেটা হচ্ছে যে
বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার অন্য অন্য প্লেসে যেটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিটা অ্যাভেলেবেল, যেগুলো হচ্ছে রিমোট যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলো ইজিলি করা যাচ্ছে, কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এই 370 এটা চলে যাওয়ার পর কোভিড চলে আসলো এবং এই সিচুয়েশনে আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা সেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয় না। আর যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন আসলে সবার অর্থনীতির অবস্থাই খারাপ, আর এখানে ভিডিও দেখে যা বুঝলাম যে কাশ্মীরের জনগণ খুব বেশি পরিমাণ মানে টাকা পয়সা তাদের হাতে অথবা অ্যাভেলেবেল না, যে কারণে হচ্ছে যে একটা ফোন কিনে যে পরিবারে সবাইকে দিবে, মানে এখানে রিমোট এলাকার লোকজনকেই বেশি দেখা ছিল যে যাদের আসলে এই ধরনের সচ্ছলতা নাই পরিবারে, তো তারা কিভাবে চলাফেরা করে আর কি সেটাই দেখা ছিল। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা সময় এখানেও চেঞ্জ আসবে, এই কারণে যে এখন তো সেখানে নিশ্চয়ই আমরা যেমন ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি দূর দেশ থেকে পাশের দেশ থেকে, তো এটা নিশ্চয়ই তাদের দেশের গভর্নমেন্ট দেখছে বা তাদের জন্য নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রকল্প করবে যাতে স্কুল কাছাকাছি হয় বা তাদের যাতায়াতের রাস্তাগুলো ঠিক হয়। আমরাও আশা করবো যাতে এইগুলো তাদের জন্য দ্রুত হয়, কারণ আসলে 18 বা 20 কিলোমিটার একটা ক্লাস করার জন্য আসা যাওয়া করা এটা কিন্তু আসলে অনেক টাফ, আবার সে বসেও থাকবে সেটা কিন্তু সম্ভব না, কারণ যে কোনো সময় কিন্তু জঙ্গলি জানোয়ারগুলো আসতে পারে, তো সেই কারণেও তাদের একটা ভয় ভীতি কাজ করে। আর ছোটো বাচ্চারা যে এত সাহস নিয়ে এত ভয় ভীতির ভিতর দিয়েও যে স্কুলে যাচ্ছে আমার কাছে এটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেবল মনে হচ্ছে, যে অতটুকু ছোট বাচ্চা সেও কিন্তু যাচ্ছে স্কুলে, ছোট বাচ্চারা অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে, অবশ্যই তাদের আগ্রহ সেরকম পরিমাণ আছে আর আগ্রহ আছে দেখে তারা অবশ্যই উপরে উঠবে। আমার কাছে মনে হয় যে গভর্নমেন্ট তাদেরকে এই হেল্প, হ্যাঁ গভর্নমেন্ট কিছু ইনিশিয়েটিভ তো অলরেডি নিয়েছে যে প্রাইমারি স্কুল 1 কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে এবং যে হাই স্কুল সেটা 3 কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে, এটুকু হলেও মোটামুটি একটা কাভারেজ দেওয়া যায় যে স্কুলগুলো কাছাকাছি আছে। এখন স্কুল দূরে, যে কারণে যারা কমিউনিটি ক্লাস করবে তারা ওখানে যেতে পারছে না, কমিউনিটি ক্লাসের জন্য তো একটা প্লেস নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটার ডিস্টেন্সটাও তাদের জন্য অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য তারা অনলাইনে ক্লাস করার চেষ্টা করছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এগুলোতে যাতায়াতের যে ব্যবস্থাটা সেটা আসলে সুগম না, এই পথটা যদি সুন্দর থাকতো তাহলে হয়তো এত কষ্ট তাদের আর পোহাতে হতো না। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের কাছে ভালো লেগেছে, যিনি আমাদেরকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ দিব, আর আমরা আশা করব খুব দ্রুতই কাশ্মীরের উন্নতি হবে এবং কাশ্মীরের এই যে বাচ্চারা যারা শিক্ষা নিতে আগ্রহী তাদের সুদিন ফিরে আসবে এবং তারা আরো অনেক ভালো জায়গায় যাবে। আশা করি আজকের এই ভিডিও রিয়েকশনটি আপনাদের ভালো লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।